इधर भी हर जगह गन्स अलाउ नहीं करते ये लोग, नहीं तो हम ले जाते अभी। ऐसे देखो ये मस्टैंग का रेडीमेड है और इसकी पूरा आइकन डाला लगा हुआ है। ये देखो एग्जांपल, ये है 23,900 बाट का। मम्मा की ब्रेड का शक्कर क्या है, ब्रेड कहाँ से आई है? सब्सक्राइब टू YPM Vlogs एंड क्लिक द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम बैंकॉक। अभी हो चुका है टाइम 1:13। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, अपेरेंटली आफ्टरनून ही है। और मैं जा रहा हूँ पापा मम्मी के पास नीचे, वो नीचे वेट कर रहे हैं मेरा। बैंकॉक की वाइब्स सबसे सही लगती है मेरे को, बिकॉज सिटी है ना, सिटी की वाइब्स मेरे को सबसे सही लगती हैं। मेरे को पसंद नहीं है पहाड़ी एरिया वगैरह, आराम से ऐसी जगह पे जाओ यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, ऐसी चीज़ें हों बस। यहाँ का जो ये ड्रिंक है ना माचा, ये बहुत लोगों ने मेरे को कहा था कि ट्राई करियो, बट मेरे को इसका कलर देख के ना अच्छा लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। वेल सो व्हाट इज अप गाइस, YPM Vlogs बैक हियर। तो यार अभी फिलहाल मैं हूँ बैंकॉक में, सबको बताया। और अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, टॉय मॉल या कोई खाने टॉय मॉल लास्ट टाइम, मतलब भाई क्या बताओ, 5 फ्लोर बड़ा मॉल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना एक रूल है कि आपको हर गाड़ी में लगाना पड़ता है ये डैश कैम, तो इसलिए यहाँ से ना डैश कैम सस्ते मिलते हैं। मैं भी लेके जाऊंगा अपनी गाड़ी के लिए एक। और यहाँ पे ना एक्चुअली एक मार्केट है जहाँ पे गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ भी हम जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं ना टॉय प्लाजा, तो उसके बिल्कुल आई थिंक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर ही वो जगह है। तो वहाँ पे वो है ना किट जिमनी की, वो मिल जाएगी, वो पता करके आएंगे कितने की किट है जी वैगन वाली। हाँ वो पता कर लेंगे, लेकिन बात ये कि अगर हम यहाँ से ले लेते हैं तो वापस कैसे लेके जाएंगे इंडिया भाई जान, इतने बड़े बड़े बम्पर गाड़ी के, वो तो भाई जान के छत पे बांध देंगे। कभी तुमने साबू की स्टोरी पढ़ी है, चाचा चौधरी साबू? हाँ। वो क्या करते थे, हवाई जहाज के ऊपर ना साबू को बिठा देते थे, साबू हवाई जहाज को बैठ जाता था ऊपर और हवाई चलता रहता। इसी तरह छत पे सारे सामान बांध देंगे और हवाई जहाज चला जाएगा। नहीं वैसे बजाक से उठ के बताओ ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है लेके जाना बम्पर? जब यहीं से सारा सामान आ रहा है इंडिया में भी तो यहीं से आएगा, तो हम नहीं ला सकते क्या? वो हवाई जहाज के अंदर बांध के लाएंगे, ऊपर बांध के ले आएंगे। हम तो जा रहे हैं शॉर्टकट से अंदर अंदर, ये बहुत सही रास्ता है भैया जो पकड़ा हुआ है, नहीं तो वैसे लग जाता है आधा घंटा, हम से 10-15 मिनट पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से राइट लेते ही ये शुरू हो गया पूरा चाइना टाउन। यहाँ पे देखना आप हर जगह लिखी होगी चाइनीज, ऐसे देखो ये लिखी है, और वो आ गया सामने मेगा प्लाजा। यहाँ पे ना चेंज की बहुत दिक्कत है, अब कैब वाले वाले 200 घट, इसे करने का पानी लेना पड़ गया। ये है मॉल के सीधा फर्स्ट इम्प्रेशंस, मैकडॉनल्ड्स घुसते ही, और ये पड़ा एस्ट्रो बॉय जो कि मेरे को चाहिए। अब बूट्स देखो वो सेम, इसलिए मेरे को चाहिए ये वाला एस्ट्रो बॉय। अभी नहीं यहाँ पे नहीं, अभी आपको मैं लेके चलूंगा, ये तो अभी इससे स्टार्टिंग है, आपको दिखाता हूँ इतना कुछ। अभी सीधा चलो सेकंड फ्लोर पे, और ये देखो रोबोट्स कैसे पड़े हुए हैं भाई। अगर आप आ रहे हो मेगा प्लाजा तो फर्स्ट फ्लोर पे कुछ भी नहीं है, ध्यान देना ये सेकंड थर्ड फ्लोर पे, और जो सबसे टॉप फ्लोर है वहाँ पे है सारी आरसी कार्स। गन्स अलाउ नहीं करते ये लोग, नहीं तो हम ले जाते अभी। बहुत सारी एयर गन्स हैं और सस्ती सस्ती हैं इंडिया से बहुत ही है। यहाँ पे दोबारा एस्ट्रो बॉय पड़ा हुआ है, मेरा बेसिकली यही था सीन की मेरे को ढूंढना है एस्ट्रो बॉय। हाँ रेड बूट्स वाला, बट मेरे को इसका चाहिए बिल्कुल छोटा वाला फिगर, ये सेम बूट्स। कितने का पूछो, जैसे आपको चाहिए होते हैं ना फिगर्स, एक्शन फिगर्स सारे, वो अम्मा देखो आप बोलते हैं ना डॉल्स वगैरह, तो वो सब अवेलेबल हैं 790 बाट ऐसे करके, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2.5 अगर आपको चाहिए इंडियन कैलकुलेशन कितने के सारे टॉयज हैं ये। ये देखो सारे ये फिगर्स हैं, इनको आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच। अब देखना मैं जहाँ मूव कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉयज, लेफ्ट में राइट में ये मैं आ गया, इधर भी हर जगह टॉयज ही टॉयज। क्या? हाँ वो तो आयरन मैन का वो है ना, बट मेरे को मास्क चाहिए वो पूरा मूविंग वाला, उसको ओपन मास्क बोलते हैं, ओपन कर देता है, क्लोज बोलो क्लोज कर देता है, वो नहीं है यहाँ पे कहीं पर भी, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं बट हमको सारी चीज़ें देखनी है 6th फ्लोर पे। वो कह रहे हैं आपको जो चाहिए ना ओरिजिनल चीज़ें वो आपको मिलेगा 6th फ्लोर पे, कियोशो के आरसी कार्स वगैरह। ये एक हेलमेट मिला लेकिन ये वो वाला नहीं है जो मेरे को चाहिए, इट ओपन्स नो। यहाँ पे आरसी प्लेन्स पड़े हुए हैं, आरसी कार्स हैं, बट मेरे को एक्चुअली 3 चीज़ें देखनी है, तो प्रैक्सिस की 101 और यहाँ पे ये प्लेन्स हैं। ये यहाँ पे सारी क्योशो की कार्स पड़ी हुई हैं, और ये स्काईलाइन सुबारो यहाँ पे ला फरारी है, मेरे रूम में पड़ा हुआ है ना कैसा सेम, यहीं से लेके गया था मैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, इनकी कॉस्ट है अभी 1000 बाट, बार्गेन करोगे तो आपको 800 का मिल जाएगा। मैंने अभी ये लिया है एस्ट्रो बॉय अपने लिए,
और इसके बाद में अभी मैं चीज ढूंढ रहा हूँ अपने लिए हेलमेट। बाय द वे गाइस, इफ यू हैवंट सीन माय टॉय कलेक्शन तो उसका मैं भी प्लान करूंगा, पूरा एक ब्लॉग बनाऊँ जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा हर कल कौन से मेरे पास में, तो मेरे को बताओ कमेंट करके वो वाली वीडियो में कब डालूँ, और आपको वो देखनी है तो कहाँ देखनी है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। मम्मा यहाँ पे एक टी शर्ट ले रही है बनी के लिए, और मम्मा उसको तो पसंद गाड़ियाँ हैं वैसे तो। अच्छा, जो चीज कब से ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे आ चुकी है। पापा जिस स्पीड में गए थे ना, मेरे को लगा आज कुछ ना कुछ ढूंढ के लाएंगे, और ये देखो भाई वी फाइनली हैव दिस। अब तो उसको खरीदना है। अब तो कुछ पसंद करा तो लो उसको, मेरे को पसंद नहीं है, महंगा बहुत है ये। इसको अभी ओपन करके चेक करवा रहे हैं, और ये वाला हेलमेट हमने ले लिया भाई, फाइनली ये चीज़ मिल गई। कब से चाहिए था पापा, कब से, मैंने तो बोल दिया था कि पापा अगर जा रहे हैं ना जिस स्पीड में जा रहे हैं, इनको जोश था इनके ऊपर कि आज कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और वो भी एक आखिरी पीस है ये। एक मार्क 5 था वो निकल गया, लेकिन ये वाला हमको मिल गया मार्क 7। अब ये चला के पहन के चला दी अशू तो क्या होगा, और साथ में अगर रेड बूट्स ही पहन लिए फिर। ये भाई मैं पहन रहा हूँ अभी हेलमेट, मैं लास्ट ईयर नवंबर से ढूंढ रहा हूँ इसको, मैं 2021 के नवंबर से, हाँ 1.5 साल के बाद जाके मिला ये चीज़। मतलब मैं कुछ चीज़ ऐसी होती है कि पैसे लेके घूम रहे होते लेकिन मिलती नहीं है। जब हम ढूंढने पे आएंगे सब ढूंढ देंगे, तो ढूंढ तो फिर हुरा का नहीं इवेंट और बढ़िया। मेरे को ना अभी एक कार मिली है, तो वो कार में देख रहा हूँ मैं, वो आपको जो मिली वो कितने की पड़ी है? 138। अभी क्या बोला? 130। 130। वैसे मैं हेल्प भी बहुत करता हूँ, मतलब मेरे को 37 तक हिंदी में गिनती आती है, उसको मैं करता हूँ 37 38। भाई यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें देख ली, और यहाँ पे मैंने चीज़ पसंद करी थी वो ले ली, और यहाँ पे बहुत सारे टॉयज हैं, सारे ना ये ऑथेंटिक है, मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल टॉयज सारे। भाई अभी ना फिलहाल बनी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, बिकॉज उसको भी बहुत शौक है ना गाड़ियों का, तो उसके लिए गाड़ी ले ली अभी। यार ये चीज़ देखना कितनी ह्यूज है, और इसके टायर देखो मेरे हाथ जितने हैं, ये 22,900 बाट की है, और इसमें इंजन है इसके अंदर। अब ये हैं वर्ल्ड के बेस्ट स्केल मॉडल्स ऑटो आर्ट के, और यहाँ पे ये चीज़ मिल रहे हैं। इंडिया में तो भाई बहुत महंगे आते हैं ये। ये देखो एग्जांपल, ये है 23,900 बाट का, और ये मतलब इनमें इतनी डिटेल्स होती हैं कि मैं क्या बताऊँ, सबसे सुपर एक्सक्लूसिव है सब कुछ ये। अभी फिलहाल निकल गया टॉय स्टोर से, चलो अभी ना हम जा रहे हैं टुक टुक में। ये आ गया भाई पूरा चाइना टाउन, और वैसे आज ये बंद है बिकॉज ट्यूजडे को ना ये बंद रहता है, लेकिन ये देखो पूरा कुछ यहाँ पे खाना पीना बन रहा है, फ्रूट्स हैं, और टुक टुक की राइड है, स्मेल बड़ी अजीब है। यहाँ पे भाई एक शॉप है स्टीयरिंग व्हील की, यहाँ पे सारे स्टीयरिंग व्हील्स अवेलेबल हैं। ऐसे देखो ये मस्टैंग का रेडीमेड है, और इसमें पूरा अल्कांटारा लगा हुआ है, ऊपर देखो कार्बन फाइबर। यहाँ पे मर्सिडीज़ का है, ये एएमजी का है मर्सिडीज़ का कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील। और एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देते हो ना अपना स्टीयरिंग व्हील लैम्बो का, किसी का भी दूंगा यहाँ पे लाके, तो वो 2 हफ्ते लेंगे और वो बना के दे देंगे एक। हाँ इन्होंने ये चीज़ बोली है मेरे को कि अम्मा जो भी स्टीयरिंग व्हील है आप ला के दे दो, उसको हम बना के दे देंगे आपको कार्बन फाइबर के अंदर। हाँ ये पूरा सारा सामान मिलता है इनके पास, सब कुछ कार्बन फाइबर के अंदर है। जैसे फॉर्चूनर का देखो पड़ा हुआ है, मैंने किसी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, इसलिए मैं फिर शॉप पर आया। ये देखो यहाँ पे ये पड़ा हुरकान का, ये पड़ा फरारी का 458 का। यहाँ पे देखो सारे गियर नॉब्स पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं क्लस्टर्स सारे। ये देखो मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे गाड़ियों का सामान मिल जाएगा। बैंकॉक ना थोड़ा ऐसा है कि कहीं पे टॉयज ही मिलेंगे तो कहीं पे गाड़ियों का सामान ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो इसे गाड़ी नहीं साफ करते, वो वाले कपड़े। यहाँ पे डैश कैम पड़े हुए हैं, कार की जो चाबियाँ होती हैं ना उनके ये रिमोट के कवर्स हैं। मुझे यहाँ पे फील आ रही है फिर करोल बाग में आ गया हूँ, कार मार्केट के अंदर। ये देखो यहाँ पे स्पार्को के मैट्स पड़े हुए हैं, मॉडिफाइड एयर फिल्टर्स हैं गाड़ी के। ये देखो जैसे अपने आते हैं ना K&N वगैरह इंडिया में, वैसे यहाँ पर हैं ये। और ये स्टीयरिंग व्हील्स, मोमो के स्टीयरिंग व्हील पड़े हुए हैं देखो यार यहाँ पे। ये ड्रिफ्टिंग स्टीयरिंग व्हील होते हैं जो ड्रिफ्ट नहीं करते, ये वो स्टीयरिंग व्हील है। इनमें कोई एयरबैग वगैरह कुछ नहीं आता। ये कार की जंप किट है 350 बाट, 800 रुपये तो अच्छी है, 3 मीटर लंबी, ढूंढते रहते हैं। यहाँ पे और एयर फिल्टर्स पड़े हुए हैं भारी भारी, K&N भी पड़ा हुआ है देखो। नो फोटोग्राफ भाई, मैं तो खींच रहा हूँ। कार का सामान इतना तो है, बट यहाँ पे मोस्टली ना एक्सेसरीज हैं जो हम ढूंढने के लिए आए थे, सोच लेकर कि यहाँ पे जिमनी का सामान मिल जाएगा हमको, उसके जो किट्स हैं वो मिल जाएंगी, वो नहीं मिल रही हमको यहाँ पे। और उस चीज़ की देख रहे हैं, मतलब आज कल मैं आपके मेरे ऑटो पर बैठता हूँ और फिर देखूँ कि कहाँ पे कुछ मिलेगा मेरे को। यहाँ सारे बैजेस पड़े हुए हैं BMW के, लैम्बोर्गिनी के। ये देखो ये लैम्बो का बैज पड़ा हुआ, वो गाड़ी पर लग जाता है ना आगे। गाड़ी जरा व्यू देखो कितना सही है सब कुछ, ये वो सामने मेट्रो स्टेशन और वो पूरा हाईवे। मामा ये ब्रेड का शक्कर क्या है, ब्रेड कहाँ से आई है? ये ब्रेड भी ले आए? ये पापा आते ही अपना कर रहे हैं स्नैक्स, और ये मैंगो, यहाँ सब फ्रूट खाने में लग रहे हैं।
भाई की शॉपिंग भी हो गई और एक दो चीजें मैंने और भी खरीदी, क्योंकि आपने देखा आयरन मैन वाला हेलमेट, और उसका मैं क्या करूंगा देखना इंडिया जा करके। बट फॉर नाउ खत्म करते हैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ गाइस।